तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले पीरियोडिसिटी ऑफ सर्विस चेक। सर्विस चेक के पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर्विस चेक का मतलब क्या होता है। जब हम लोग ट्रेन का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, बेसिकली दो तरीके का मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है और करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसमें हम लोग करते क्या, कोई भी जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग ट्रेन में आने से प्रिवेंट करते हैं। और ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ही हम लोग कुछ चेक करते हैं, ट्रेन के कुछ पैरामीटर्स को चेक करते हैं, और वो जो पैरामीटर को जो चेक करते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं सर्विस चेक, राइट। और फिर उसके बाद दूसरा जो मेंटेनेंस होता है वो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अब ये करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, मान लेते हैं हमारी ट्रेन चल रही है और चलती ट्रेन में कुछ फॉल्ट आ गया, राइट। जैसे मान लेते हैं हमारी ट्रेन चल रही है और चलते चलते ट्रेन का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें किसी तरीके का फेल्यूर आ गया, तो ऐसे केस में जो फेलियर होगा उसे क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा, करेक्ट करना होगा, राइट। तो ये जो मेंटेनेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो फॉल्ट आने पर जो मेंटेनेंस होता है वो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, और फॉल्ट आने से पहला जो मेंटेनेंस होता है जो कि हम लोग कर रहे होते हैं फॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए, वो मेंटेनेंस को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सर्विस चेक के बारे में बात करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला जो सर्विस चेक है वो है A1 सर्विस चेक, दूसरा है A2, A3, A4, B1, B2। यहाँ पर ये IOH का मतलब होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। अभी यहाँ पर ये ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है, जो ओवरहॉलिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग डिसमेंटल करते हैं पूरी तरीके से, और हर एक पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वो जो पार्ट है उसको हम लोग फिर से कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो एंटायर जो पार्ट होता है ट्रेन का उसको हम लोग ट्रेन के साथ लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं बोगी ओवरहॉलिंग। अभी अगर मैं बोगी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इससे पहले हमने बोगी के बारे में बात किया है, तो बोगी ओवरहॉलिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो बोगी होगी उसको हम लोग कार से सेपरेट करेंगे, और फिर सेपरेट करने के बाद जो बोगी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देंगे। मतलब पूरी तरीके से बोगी को हम लोग खोल खाल देंगे, जैसे कि बोगी में से हम लोग व्हील निकाल देंगे, ट्रैक्शन मोटर निकाल देंगे, डैम्पर्स निकाल देंगे, ब्रेक कैलिपर्स निकाल देंगे, बोगी में जो स्प्रिंग होती है वो हम लोग निकाल देंगे। तो सारे पार्ट को हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, हर एक पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद लुब्रिकेशन करेंगे, लुब्रिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो पार्ट्स के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं बोगी में स्प्रिंग लगी होती है, तो एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टेस्ट। तो स्प्रिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो स्प्रिंग होती है ट्रेन के बोगी की, स्प्रिंग के ऊपर हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग की टॉर्शनल रिजिडिटी कितनी है, स्प्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्प्रिंग की फ्री हाइट कितनी है, स्प्रिंग का आउटर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर कितना है, राइट। फिर उसके बाद ये सब सारे पैरामीटर्स हम लोग इवेल्युएट करते हैं। जब ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्प्रिंग होती है उसको हम लोग बोगी में लगाते हैं। सिमिलरली ट्रेन में जो बोगी में जो डैम्पर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से निकालते हैं, डैम्पर की हम लोग पूरी तरीके से क्लीनिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, डैम्पर पे हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग डैम्पर टेस्टिंग बोलते हैं, और टेस्टिंग के बाद वो जो डैम्पर होता है उसको हम लोग फिर से अपनी जगह पे लगा देते हैं बोगी पे। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओवरहॉलिंग, जिसमें हमने क्या किया, ट्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट निकाला, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया पार्ट को, और वो पार्ट को डिसमेंटल करने के बाद वो पार्ट को हमने पूरी तरीके से लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, टेस्टिंग करी, और फिर उसके बाद वो पार्ट को हमने असेंबल करके फिर से ट्रेन में लगा दिया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओवरहॉलिंग। तो हमारे पास इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग है वो 2, फिर इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग है 3, फिर ओवरहॉलिंग 1 है, ओवरहॉलिंग 2 है, फिर उसके बाद ओवरहॉलिंग 3 है, ओवरहॉलिंग 4 है, ओवरहॉलिंग 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पर ये 8 है। और यहाँ पर इसकी पीरियोडिसिटी दी गई है, यहाँ पर ये हमें किलोमीटर दिया गया है। अगर हम लोग किलोमीटर नहीं भी याद रखें तो भी चलेगा, बट ये जो पीरियोडिसिटी है बहुत अच्छी तरीके से हमें याद रखना होगा। और ये जो पीरियोडिसिटी है इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है, एक टेक्निक है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हम लोग पीरियोडिसिटी बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं A1 सर्विस चेक के बारे में। तो A1 जो सर्विस चेक होता है वो हम लोग कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। A2 सर्विस चेक हम लोग कितने दिन में करते हैं, 30 डेज में करते हैं, मतलब एक महीने में करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये A1 15 दिन में करते, A2 30 डेज में करते, ये तो हमें पता होना चाहिए दो चीज़। फिर उसके बाद आ जाते A3, A3 हम लोग 90 डेज में करते हैं, 90 डेज मतलब 3 मंथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 मंथ और यहाँ पर ये A3, तो 3 मंथ और ये 3 दोनों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो A3 मेंटेनेंस, A3 सर्विस चेक हम लोग कब करते हैं, 3 मंथ में करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें A4 सर्विस चेक हम लोग कब करते हैं, 180 डेज में करते हैं, मतलब 6 महीने में करते हैं। कितने महीने में करते हैं, 6 महीने में करते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा, अगेन A4 सर्विस चेक जो है इसको हम लोग कितने महीने में करते हैं, 6 महीने में करते हैं, राइट।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें A1 याद रखना है, A3 तो हमें याद रह जाएगा, A3 3 महीने में होता है 90 डेज में, A4 बेसिकली कितने महीने में होता है, 6 महीने में होता है, हमें 3 महीने का डबल कंसिडर कर लेना है तो क्या हो जाएगा, 3 महीना 3×2 हमें कंसिडर कर लेना है तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मंथ। तो इतना याद रह जाएगा, A1 15 दिन में होता है, A2 सर्विस चेक हर 30 दिन में होता है, A3 आ गया इसका मतलब 3 मंथ तो 90 डेज में होता है, 3 मंथ में कितने डेज होते हैं, 90 डेज। A4 कब होता है, 6 महीने में होता है तो 6 महीने में 180 डेज। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें B1 1 साल में होता है, तो यहाँ पर ये 1 ईयर, तो 1 ईयर में ये 1 और यहाँ पर ये B का ये 1 रिलेट कर सकते हैं। B2 कितने साल में होता है, 2 साल में होता है, तो यहाँ पर ये B2 में 2 और यहाँ पर ये 2 ईयर्स का हमने 2 कंसिडर किया। फिर उसके बाद है हमारे पास इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 3। तो जो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 है इसको हम लोग कब करते हैं, 5 साल में करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग मे बी डन इन एवरी 5 ईयर, तो जो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 है, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 1 नहीं होती, तो जो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 है ये 5 साल में करते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 3 है इसको हम लोग कब करते हैं, 6 साल में करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये 2 से 3 एक का गैप है, तो 5 से 6 यहाँ पर भी एक का गैप है। तो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग हमें इतना याद रखना होगा, 5 साल में करते हैं, तो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 5 ईयर में करते हैं, तो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 5 ईयर में करते हैं, और इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 3 कितने साल में करते हैं, 6 साल में करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 1 ओवरऑलिंग 2 ओवरऑलिंग 3 ओवरऑलिंग 4 5 6 7 8, तो ओवरऑलिंग 1 हम लोग कितने साल में करते हैं, ये मेजर ओवरऑलिंग है। ये इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा थोड़ा ओवरऑलिंग करते हैं, माइनर ओवरऑलिंग करते हैं, बट ये जो ओवरऑलिंग है जैसे जैसे ओवरऑलिंग बढ़ते जाता है तो ऐसे केस में हम लोग जो ओवरऑलिंग का जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग और डिटेल में करते जाते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में हम लोग नेग्लिजिबल ना के बराबर में पार्ट्स निकालेंगे और उसका हम लोग ओवरऑलिंग करेंगे, बट जैसे जैसे हम लोग जैसे कि 10 साल में हम लोग ओवरऑलिंग करते हैं मेजर ओवरऑलिंग, 10 साल में मेजर ओवरऑलिंग, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर ओवरऑलिंग में हर एक पार्ट्स को हम लोग निकाल के पूरी तरीके से ओवरऑलिंग करते हैं। तो ओवरऑलिंग 2 जैसे हमने बात किया 5 साल में होता है, ओवरऑलिंग 3 6 साल में होता है, ओवरऑलिंग 1 कितने साल में होता है, 8 साल में होता है, ओवरऑलिंग 2 कितने साल में होता है, यहाँ पर ये ओवरऑलिंग मेन ओवरऑलिंग है, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग नहीं है, तो ओवरऑलिंग 1 8 साल में होता है, ओवरऑलिंग 2 कितने साल में होता है, 9 साल में होता है, राइट। फिर उसके बाद ओवरऑलिंग 3 अगर हम लोग देखें कितने साल में होता है, 10 साल में होता है, राइट। तो हमें क्या यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ओवरऑलिंग 1 है, ये इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 ये 5 साल में होता है, 3 कितने साल में होता है, 6 साल में होता है, ये तो हम लोग याद रख सकते हैं, बट ये जो ओवरऑलिंग 1 है ये 8 साल में होता है, तो इसको कैसे याद रखें ये भी हमें थोड़ा मेमोराइज़ करना होगा। ओवरऑलिंग 1 ये 8 साल में होता है और जो ओवरऑलिंग 2 है ये बेसिकली 9 साल में होता है, राइट। तो ओवरऑलिंग 1 पहला जो ओवरऑलिंग है ये कितने साल में होगा, 8 साल में होगा, और दूसरा जो ओवरऑलिंग है बेसिकली 9 साल में होगा, तो ये तो हमें 2 याद रखना है। फिर उसके बाद बाकी का आसान है। ओवरऑलिंग 3 कब होता है, 10 साल में होता है, तो 3×3 हमें कितना मिल जाएगा, 9। तो अगर हम लोग देखें 9 और फिर हमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें 9 10, तो हम लोग बोल सकते हैं 9 10 ईयर में हो सकता है, होता है ओवरऑलिंग 3। फिर उसके बाद ओवरऑलिंग 4 4×3 12 मिल जाएगा, तो अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 4 12 साल में होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 5 5×3 15, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 5 15 साल में होता है। ओवरऑलिंग 6 6×3 18 हो जाएगा, तो ओवरऑलिंग 6 कितने साल में होता है, 18 साल में होता है। तो हमें सिर्फ ओवरऑलिंग 1 और 2 याद रखना है। तो ओवरऑलिंग 1 8 साल में होता है, ओवरऑलिंग 2 बेसिकली 9 साल में होता है। यहाँ पर ओवरऑलिंग में इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 2 3 ओवरऑलिंग 1 ओवरऑलिंग 2 हमें सिर्फ ये 4 चीज़ याद रखना है, बाकी सब ईजी है, राइट। तो जैसे हमने बात किया ओवरऑलिंग 5 15 ईयर में होता है, 5×3 15, ओवरऑलिंग 6 18 ईयर में होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 7 7×3 कितना हो जाएगा, 7×3 21, तो 21, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 20 21 ईयर में होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अगेन एट दी लास्ट ओवरऑलिंग 8 ये कितने साल में होता है, बेसिकली 30 साल में होता है, राइट। तो ओवरऑलिंग 8 कितने साल में होता है, ओवरऑलिंग 8 बेसिकली 30 साल में होता है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है। तो ओवरऑलिंग B1 कितने साल में होता है, ओवरऑलिंग B1 1 साल में होता है, ओवरऑलिंग B2 कितने साल में होता है, 2 साल में होता है, ओवरऑलिंग थ्री कितने साल में होता है, ओवरऑलिंग 3 5, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरऑलिंग 3, तो ओवरऑलिंग 3 बेसिकली 10 साल में होता है, 3×3 9, 3×3 हमें कितना मिल जाएगा, 9, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 10 साल। ओवरऑलिंग 7 कितने साल में होता है, 7×3 21, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 20 21 ईयर में होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं ये सारे सर्विस चेक को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इसके बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं तो ऐसे कि इसमें जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।